आई एम सॉरी, पता नहीं किस वजह से जो है वो वीडियो जो है लास्ट में जो लाइव गई हुई थी वो हो गया. क्या हो गया? पॉज हो गया था. अभी हमारे फिर से हमारे लोग हमें ज्वाइन इन कर लें तो हम और बात करते हैं मुनाफिक के बारे में. अच्छा मुझे ये बताएं कि उजाला के कैरेक्टर से आप लोग रिलेट कर पाते हैं? वेलकम बैक ऑन इंस्टा लाइव. आई एम गोना सी महाबीर. महाबीर को मैं आप अपने मैं अपने अपने अकाउंट के जब लाइव जाऊंगी तो मैं आपको महाबीर को ज़रूर दिखाऊंगी. अभी मैं जियो के अकाउंट से लाइव हूँ इसलिए मैं अभी महाबीर को नहीं दिखा रही. अभी हम सिर्फ उजाला को देखेंगे और मुनाफिक की बात करेंगे. ब्रिलियंट एक्टिंग इन मुनाफिक. थैंक यू उमेर मुख्तार ऑफिशियल. ओके आपका बेस्ट सीन कौन सा है? लेट मी सी. जिस सीन में मैं हंसी हूँ वो एक आधी सीन है जिसमें अरमान मुझे ला के देता है, क्या कपड़े ला के देता है और इस तरह के, या वो सीन मुझे करते हुए थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज ऑब्वियसली लाइट मूड एंड आई वॉज इन क्राइंग. बट द बेस्ट सीन जिसमें उजाला जो है वो हमजा को चेंज करती है. वैसे दैट्स अ गुड क्वेश्चन. उजाला जब हमजा को चेंज करती है वो बेस्ट सीन है. जब वो उसकी तरफ आता है और वो आयत की तिलावत करती है तो जो है वो बेस्ट सीन है. अस्सलाम वालेकुम डियर. आपका हर आने वाला ड्रामा मैं बहुत शौक से देखता हूँ. आपकी एक्टिंग बहुत दुख देने वाली होती है. मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं आपको दुख ना दूँ. हो सकता है रोते हुए दुख ना दूँ, हो सकता है रुलाते हुए दुख दूँ, किसी और को रुलाऊँ. योर एक्टिंग इज बूम. इंशाल्लाह उजाला विल विन. इंशाल्लाह उजाला विल विन. आपको उजाला का कैरेक्टर खुद करके कैसा लगा? उजाला का कैरेक्टर खुद करते हुए मेरे सर में बहुत दर्द होता था ऑनेस्टली बिकॉज मैं बहुत रोती थी. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज उजाला बहुत ही सोबर, अच्छी, डिसेंट सी लड़की है जो कि सबका बहुत ख्याल रखती है और बहुत कहीं कहीं बहुत स्ट्रांग है, कहीं कहीं वीक पड़ जाती है. जैसे अपने बच्चे के लिए वीक पड़ गई या टूट जाती है फिर अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग होती है. कहीं कहीं हाँ मैं कह सकती हूँ उजाला कहीं कहीं सेल्फिश है. जैसे मुझे लोगों ने कहा कि आपका कैरेक्टर जो उजाला है वो सेल्फिश है बिकॉज वो हमजा से शादी नहीं करती बिकॉज वो हमजा से प्यार नहीं करती. ठीक है. बट एंड शी हैज़ गॉन थ्रू सो मच कि उसकी शादी हुई और वो सब कुछ कि वो अभी हमजा को एक्सेप्ट नहीं कर पाई. बट हाँ सेल्फिश इन वे वो अपनी औलाद के लिए सेल्फिश है. वो उससे कहती है कि मुझे मेरा बच्चा दिलाओ बिकॉज एक माँ अपने बच्चे के लिए सेल्फिश हो जाती है. योर एक्टिंग जबरदस्त. थैंक यू. हाँ आप और हमजा लाइव चैट पे आए. हमजा आएंगे इंशाल्लाह. आई लव मुनाफिक एंड अफान इज ऑल्सो वेरी क्यूट. अफान इतना क्यूट है. अफान के साथ सीन्स करते हैं मुझे इतना, मुझे ऐसा लगता था बिकॉज ऑब्वियसली सेट पे जब मेरे पास महाबीर नहीं होता था तो मैं अफान को पकड़ती थी. मैं उसको इतना प्यार करती थी कि मुझे महाबीर उसमें नजर आता था. वो इतना क्यूट सा है. और अफान जो आप काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि वो आपका अपना बेबी है. नो ही इज़ नॉट माई बेबी. अफान नहीं है मेरा बेबी. बट मुझे उससे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे मेरा अपना बेबी हो. आई लव मुनाफिक. आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी की. लव यू. थैंक यू. जब आयत पढ़ी थी वो मेरा फेवरेट सीन है. थैंक यू. हाँ मुनाफिक में हस्बैंड की रिस्पेक्ट ब्रिलियंट मूवमेंट.
शहबाज मीरा। अच्छा, सारे जो भी ये है ना मर्द हजरात, ये उजाला को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि चाहते हैं कि हमें उजाला जैसी लड़की मिले जिसको हम घर से धक्के मार के बाहर निकाल दें, वो कुछ भी ना कहे, एक लफ्ज ना बोले, वापस हमारे साथ आ जाए। बहुत ज्यादा जो है ना, और ये भी समझते हैं कि नहीं जी, उजाला जैसी लड़की मिलना रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है आजकल। लेकिन ऐसी लड़कियां हैं बहुत, अगर आप ढूंढें तो मिल जाएंगी आपको। बट ये है कि मर्दों को बहुत अच्छी लगी उजाला भाई, बहुत अच्छी लगी उनको। ढूंढते फिर रहे हैं वो, चिराग लेके ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ मिलेगी उजाला जैसी लड़की। मेरे अबू भी बहुत शौक से देखते हैं। योर अपकमिंग प्रोजेक्ट फातिमा, नेक्स्ट ड्रामा कर या कोई? नहीं, अभी फिलहाल मैंने मकाफात की सीरीज की थी और अभी फिलहाल मैंने कुछ साइन नहीं किया बिकॉज क्वारंटीन स्टार्ट हो गया। और अभी फिलहाल शायद उसके बाद भी मैं, जब तक अल्लाह ताला हमें इस कोरोना से बचाए, अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो मैं प्रेफर करूँगी अभी फिलहाल अपने घर पे रहना, बिकॉज ऑब्वियसली अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए रिस्क की बात है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ये। सिंस वेन आर यू शूटिंग? हम लोगों ने अगस्त में स्टार्ट की थी लास्ट ईयर शूट, और वो करते 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 इस साल हमने मार्च में ख़त्म किया। ये भुट्टो आसिफ को किस बात पे खुशी खुशी हो रही है? ये हंस रहे हैं बहुत, मेरे ख्याल में इनको उजाला जैसी लड़की चाहिए ना, इसलिए हंस रहे हैं। दुख वाली हंसी है ये। आपका नेक्स्ट ड्रामा उजाला में और आप में क्या सेम है? उजाला में और मुझ में क्या सेम है? उजाला में जो है वो जिस तरह से अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कल है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन चीज़ों से मैं रिलेट कर पाती हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना लोग बोलेंगे जी आप शो ऑफ कर रही हैं वो, बट द थिंग इज़ कि इन चीज़ों में मैं रिलेट कर पाती हूँ। हाँ, ये है कि बहुत सी जो मामता है उसकी, वो तो हर खैर माँ के अंदर होती है, बट वो सीन्स करते हैं मुझे असल में, जब उससे आफान छीन के जाते हैं तो मुझे इतना दुख हो रहा था क्योंकि मैंने इमेजिन किया कि एक माँ से उसका बच्चा छीन के ले ले जाना जो है वो उसकी उस पर क्या गुजरती होगी। टेल मी, अगर आपको मूवीज ऑफर हुई हैं बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इफ यू चूज एनी अदर कैरेक्टर फ्रॉम मुनाफिक देन विच कैरेक्टर विल यू चूज? अगर मैं लड़का होती तो मैं वो कर सकती, मैं हमजा का कैरेक्टर करती। मुझे, मैंने जब बिलाल ने क्योंकि बिलाल जब आए थे तो शूट पे, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा है और मुझे हमजा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। एंड बिलाल ने बाद में किया भी उसको इतना अच्छा, बट मुझे शुरू से पता था कि बिलाल का जो कैरेक्टर है ना, जो हमजा है, वो उसको एक गोल्डन कैरेक्टर ऑफर हुआ है बिकॉज इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड वॉट अ चेंज ओवर। अगर मैं करती तो मैं वो करती, मैं फिर लड़का बन जाती। वॉट इज द एंड ऑफ मुनाफिक? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा मुनाफी का एंडिंग, नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, मुनाफिक का जो ओएसटी है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एदिल तू बता के ओएसटी में मुझे मेरा फेवरेट था, और मुनाफिक का ओएसटी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल की गली से गुजर गया तू, हवा था क्या जो बिखर गया, नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू, जो उतर
बांधा हुआ है यूं मुझे, उलझी हुई एक डोर है, नैना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। I'm not a very good singer, but I really, really wanted to sing this because मुझे इतना पसंद है ये जो इसका इसकी जो ये वाली lines है especially। हम सारे काम छोड़ के मुनाफिक देखने बैठ जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कमर को तो बुलाएं, कमर है यहाँ पे, कमर यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं पीछे। प्लीज हमजा से शादी करना। Why are you not interested in movies? I'm not interested because movies have separate demands. I'm not interested. Please speak loudly. Sorry. मैं आप जोर से बात करूंगी। I didn't know कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। हमजा को तो आप लिफ्ट ही नहीं कराती। मैं हमजा को लिफ्ट नहीं कराती। मैं कराती हूँ जब जरूरत पड़ती है। बट हमजा पे ट्रस्ट करना उजाला के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया बिकॉज दो दफ़ा उसने किडनैप करने की उसको कोशिश की और उजाला जो है वो अपने शौहर से बहुत ही वफादार थी और अब जो है वो अपने बच्चे को हासिल करने के उसमें कश्मकश में लगी हुई है। और क्या वो रूसा बिलाल आपकी कज़न है? नहीं नहीं, मुनाफिक और एदिल तू बता, मुनाफिक और एदिल तू बता में से मैं एक को चूज नहीं कर सकती। दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं बिकॉज मुनाफिक की अलग बात है, एदिल तू बता की अलग बात है। हम बहुत प्यारी है, आपका एक्टर होना चाहिए। जी मैं बनूंगी इंशाल्लाह, एक दिन मैं एक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। ख्वाब है मेरा। आफान आपको मिल जाएगा क्या? उजाला अरमान को माफ करेंगे? देखिए मैं अभी एंडिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती। जियो टीवी ने ना मेरे होंठ सिए हुए हैं कि आपने एंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना। और वैसे अगर आप मुझसे अलग से भी पूछते तो मैं नहीं बताती, मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैं आपको बता दूंगी आप मुनाफिक देखेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। आप क्यों पूछते हैं, एंडिंग क्यों पूछते हैं जब आप एक ड्रामा ऑलरेडी देख रहे हैं? तो क्यों पूछते हैं? आपका खुद का मजा खराब हो जाएगा ना आप ड्रामा देख रहे हैं तो। आपकी क्यूटनेस का राज। थैंक यू। खुश रहे, मेहनत करे। आप भी आजकल आपका फेवरेट ड्रामा सीरियल कौन सा है? कौन सा है? मुनाफिक। ड्रामाज मैं इतने देखते नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही हूँ। आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आप मुझसे बात ही नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। अरे अफशीन गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? आपके सब सबके मैसेजेस पढ़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कमाल सॉन्ग है, मुनाफिक इज बेस्ट वॉइस। थैंक यू। अपने ड्रामे में आपने सॉन्ग गाया? नहीं मैंने नहीं गाया। आपको लग रहा है मेरी आवाज़ सुन के कि मैंने सॉन्ग गाया है? और वो साहिर अली बग्गा ने गाया है तो वो लड़की की आवाज में कैसे गा सकते? वाओ लाइन से मार ही डाला। स्टॉप इट, डोंट क्राई, आई एम नॉट गोना क्राई नाउ। वेंसडे तक आप मुझे बस रोता हुआ देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नहीं रोऊंगी। मैं आपको अभी हंस के दिखा रही हूँ, मैं रो रही हूँ क्या? मेरा हस्बैंड बाल से फोर हेड से बाल ठीक करो। यस कमर, ओके कमर इज वॉचिंग मी लाइव एंड ही सेड कि आपने बाल सही कर लो। आजकल क्वारंटीन में हम लोग के पास कितना टाइम है ना यार। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं क्वारंटीन में? क्या आप सारे मर्द हजरात अपनी बीवियों की हेल्प कर रहे हैं खाना पकाने में? क्या आप सारे खवातीन के मर्द हेल्प कर रहे हैं, उनके हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं उन्हें घर की सफाई में, खाना पकाने में? अगर नहीं
तो अभी जाके करें, क्योंकि आप भी घर पे हैं अभी। थोड़ा बहुत हार्ड बताने में कुछ नहीं होता। मैंने अपने हस्बैंड को क्वारंटीन में काम पे लगाया हुआ है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं।